बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की, उनके दरबार की ये तस्वीरें मीरा रोड से सामने आई है। आप इन तस्वीरों में, इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में उनके दरबार में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। लोगों में उनके लिए काफी ज्यादा क्रेज, काफी ज्यादा पागलपन दिखा। भक्तों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों में एक अलग ही खुमार दिखा है और उस खुमार को मेट्रो मुंबई ने अपने कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर उस बीच लोगों से बात करने के लिए मौजूद थे और लोगों ने काफी ज्यादा प्यार मुंबई के इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री को दिया है। लाखों लोगों की भीड़ उनके इस दरबार में दिखी है मुंबई के मीरा रोड में। आज बाबा का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला दिन था, पहला दिन समाप्त हुआ और उससे जो मेट्रो मुंबई ने जिन लोगों से बात की उनमें काफी ज्यादा क्रेज, काफी ज्यादा उत्साह धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर था और लोगों की काफी ज्यादा भीड़, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। देखिए मेट्रो मुंबई ने भक्तजनों से बात की है और उनकी तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस तरीके से पागलपन क्रेज उनका दिखाई दिया है। मैं उपस्थित हूँ लेकिन बता दूं कि यहाँ पे हमारे बीच में शास्त्री धीरेन्द्र महाराज जी यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन कहीं देखा गया कि कई हजारों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक उपस्थित है। सिर्फ उनकी भाषण नहीं वचन, जो मधुरता मुख का वचन है, लोग वही सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और काफी तादाद में यहाँ पे लोग, यहाँ पे आम जनता यहाँ पे उपस्थित है, उनके भक्तगण उपस्थित है सिर्फ उनकी मधुरता को सुनने के लिए। कहीं ना कहीं बता दूं, कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी भी करते हैं, किसी न किसी के तो भविष्यवाणी कर दिए है। लेकिन अभी बता दें, यहाँ पे आम जनता भक्तगण है, इनसे पूछना चाहेंगे, बागेश्वर धाम में आए हैं, बागेश्वर बाबा के पास आए हैं और किस तरह से कहना चाहेंगे, क्या आपके बारे में बताएं या लोगों के बारे में बताएं, बताइए। बागेश्वर धाम से आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक हिंदू राष्ट्र की जो अपने भारत में नई चेतना जगाई है, वास्तव में एक हिंदू राष्ट्र होगा अपना भारत। और दुखियों के जो भी, जितने भी दुखी यहाँ आते लोग, उनकी अर्जी स्वीकार करते और हकीकत में उनकी अर्जी एकदम वो उनके आशीर्वाद से सही होते हैं। यह देखिए, हकीकत में उनके इस ग्राउंड, यस के ग्राउंड में भले ही उपस्थित हो या लाखों की तादाद में हो, लेकिन उनका आशीर्वाद सभी भक्तगणों के ऊपर है। लेकिन बता दें, कहीं ना कहीं बताएं कि आशीर्वाद ही नहीं, उनकी जो वचन भी चल रही है वो भक्तगण उनके वचनों पे भी चलना चाहेंगे। आप भी बताइए, क्या करते हैं बागेश्वर धाम, बाबा आज आए हैं यहाँ पे मिलने के, लोग तरसते थे, आज साक्षात दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब बागेश्वर बाबा आए, हमको बहुत खुशी हुई और उनके आने से सबका मनोकामना पूरा हो, भगवान उनको लंबी उम्र दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। आपने क्या मांगा है, दरबार में आए हैं तो पहली बार आए होंगे, पहली बार मुलाकात होगी, क्या मांगे? हमारे परिवार को खुशी दे, उनको कष्टों से दूर करे, भगवान से यही विनती है। क्या आप अभी छोटी है, नटखट है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि बाबा से आपने कुछ बोला या कहा अपने बारे में, या कुछ बाबा ने आपके बताया? नहीं, अभी तो हम लोग का दर्शन ही नहीं हुआ, कैसे? अभी तो दर्शन ही नहीं हुआ, लेकिन दर्शन होगा और लोग भी बताएंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज धाम में आए हैं, बताइए बाबा जी की क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बाबा जी के दर्शन चाहती हूँ, लड़के को लेकर परेशान हूँ, जब दर्शन मिले तब, वही चाहत में होते होते अभी जा रही हूँ बाबा जी के दर्शन। क्या लगता है कि आज बाबा के दरबार में आप आई हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ भला हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे, जय श्री राम के नारे लग रहे, भक्त गण यहाँ पे आ चुके हैं, कई लाखों की तादाद में है। कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए कि जिस तरह से भक्त गणों के दिल में आस्था है, सोच होगी वही मिलेगा, लेकिन और लोग से क्या कहना? एकदम सही सर, एकदम सही। क्या कहना चाहिए, आज बाबा जी आपके सामने दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। आज ये बच्ची जो भविष्य इनके बारे में देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भविष्य के बारे में खुद पता लगाने के लिए आई है, बाबा बताइए क्या कहना चाहेंगे बाबा के प्रति? आस्था है, तभी उनके प्रति इतना भीड़ लगा हुआ है। कहीं कहीं देखा जाए कि कोई ना कोई, कोई बच्चे हैं या बूढ़े हो या जवान हो, कहीं ना कहीं बाबा के प्रति जो है लगाव है और दिल में भक्ति है, श्रद्धा है, तभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और भी लोग
यहाँ भक्त लोग कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि कोई ना कोई कहे ना कहे, लेकिन लोग यहाँ कहेंगे जो भक्तगढ़ है कहेंगे जय श्री राम का नारा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। जिसके पास विश्वास है वो आश्रम में आया है बालाजी महाराज के साथ, और पूरा हिंदू बालाजी के महाराज के साथ है, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में है। जय जय श्री राम। देखिए जबान नहीं जुबान नहीं, लेकिन बता दें कि जुबान से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन बता दें कहीं ना कहीं राम भगवान का नाम ले तो भी बेड़ा पार होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ पे चरणों में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लाखों लोगों की दिलों की धड़कन भी जो है श्रद्धा है आस्था है, और कहीं ना कहीं ये भक्तगणों का कामना पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के भक्तगण लोग कह रहे हैं। बातें इरादे बात समझी जाएगी समय आने पर, लेकिन बता दे बाबा मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गुलाब का फूल खिल रहा है,